करते हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि टाइम फ्रीडम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत ज्यादा जॉब की अमाउंट नहीं थी, सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी बहुत कम भी नहीं थी। 70,000 पर मंथ में अर्न कर रही थी, आफ्टर कमीशन 1 लाख रुपीज हो जाता था, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं थी। मुझे ये कंसेप्ट सामने आया, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया था, बाई चॉइस नहीं आई थी। कहीं ना कहीं ये था मन में कि नहीं, ये साबुन लेने का बिजनेस है, मुझे ये नहीं करना। लेकिन फिर भी बाई चांस आना ही था, मेरी डेस्टिनी थी। ईश्वर जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तो मैंने ग्रैब की अपॉर्चुनिटी को। मैंने बलदेव सर की जो मीटिंग सुबह 8 बजे सुनी, तब समझ में आ गया ये बिजनेस की ताकत कितनी है। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको बिल्कुल लाइफ बदल के रख देगी, यू टर्न ला के रख देगी। वहां से स्टार्ट की डेमोपिट की ताकत को पहचाना, मैजिक ऑर्नर की ताकत को पहचाना। वही 22% 6,000 टीवी पे डायरेक्टर होता था। विद इन 2 मंथ्स मैंने डायरेक्टर कम्प्लीट कर दिया। 1 साल हुआ एसईडी कम्प्लीट किया, और 1.5 साल हुआ मैंने प्लेटिनम डायरेक्टर कम्प्लीट किया, अचीव किया, जहां से मैं 7.5 लाख की बाइक कलर की से लेकर यहाँ से कार अचीव कर चुकी हूँ। उसके बाद 2 साल हुए डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई किया, थाईलैंड जा रही हूँ, और साथ में यूरोपियन क्रूज भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मुझे ये बात है कि मेरी कार तो आ ही गई, लेकिन मैंने एक्टिवा भी यहीं से अचीव की है। टीम में एक और एक्टिवा भी आ चुकी है, 2.25 लाख की बाइक आ चुकी है, एक गाड़ी और बुक हो चुकी है। तो ये था यहाँ का अब तक का सफर। लेकिन इससे आगे का सफर क्या, मैंने मेरी स्ट्रेंथ किया है, मैंने किया क्या, रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे बिजनेस किया। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी से हम मिले ज्वाइनिंग लगाई। मैं ज्वाइनिंग से ज्यादा स्पॉन्सरिंग पे विश्वास करती हूँ, उसका हाथ पकड़ के चलने पे विश्वास करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सर ज्वाइनिंग लगाई तुम अपना काम करो, बस तुम्हें ये करना ही करना। नहीं, हम मिलके करेंगे, आप शुरू करो, हम मिलके करेंगे। जहाँ पे भी जो भी चीज आती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं ना प्रॉब्लम है ये, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा चैलेंज या इश्यू होता है जो कि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे काम किया, सबको साथ में लेके चले। उसके बाद क्या, एक चीज और बताती हूँ। लोग कहते हैं लोग हमारी सुनते नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं करते। सभी के साथ आता है, किस किस के साथ इश्यू आता है, सभी लोग सुनते नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव कर लो। कैसे नहीं सुनते लोग, सुनाने की ताकत तो रखो, कुछ अगर मेरी मीटिंग में 4 घंटे भी कोई पिन ड्रॉप साइलेंस से मुझे सुनना चाहता है, तो इट मीन्स मैंने अपने आप को यहाँ पे आके ग्रो किया है। जब आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी तो वो लोग जरूर सुनेंगे आपकी बात। जब उनको समझ में आ जाएगा आप कुछ वैल्यूएबल शेयरिंग कर रहे हैं, जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। अगर मैं वेल प्रोडक्ट्स की बात करूं, जब आप उसकी डिटेल समझेंगे क्या करते हैं।